वेलकम टू संजनास किचन इन्नैक्कु इंद वीडियोल मैसूर पाक रेसिपी दा पाक्क पोरोम मैसूर पाक रोम्ब ईसिया रोम्ब सॉफ्टा वीट्ले एप्पडी पण्रदुन्नु पाक्कलाम मैसूर पाक पण्रदुक्कु इंग्रीडियंट्स पात्तरलाम ओरु कप कडला मावु मुक्काल कप शुगर ओरु कप नेय मैसूर पाक सेट पण्रदुक्कु ना ओरु ब्रेड पैनल बटर पेपर वच्चु अदुल नेय ग्रीस पण्णिरुक्केन इत वो मैसूर पाक पड़े मुना रेडी वो कड़ाई और कप आड पड़ी और निम्षत लाइटा सिमल वे रोस्ट पड़ा और निम्षत मेल नम्बर वरुक वा नम्बर रोम वरतना मैसूर पाक मोल पड़े क्रैक्स विन कट पड़े उ चांसस् और निम्स आम इफ पड़ा இந்த வறுத்த கடல மாவை நம்ம பரிச்சு எடுத்துறலாம் அரிச்சு எடுத்தாச்சுனா நம்ம mix பண்ணும்போது lumps விழாது மாவு நல்லா அரிச்சு எடுத்ததும் அதுல நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சிருந்த ghee 1 கப்ல இருந்து பாதி அளவுக்கு ஊத்தி mix பண்ணிரலாம் इधर स्मूथ बैटरा नम्बर मिक्स पन्नी एडुत्तरलाम मावोड कंसिस्टेंसी रोम्ब लिक्विडा दा इरुक्कणुम रोम्ब तिक्का मिक्स पन्नीटिंगना कडायिल मावु सेर्त्तु वेग वैक्कुम्बोधु सीक्रमावे अदु कट्टि आयिडुम अप्पुरमा मैसूर पाक सॉफ्टा वरादु मावा मिक्स पन्नी रेडिया वेच्चिट्टु शुगर सिरप रेडी पन्निरलाम अदुक्कु ओरु कडायिल मुक्काल कप शुगर काल कप तण्णी सेर्त्तु कोदिक्क वेच्चिरलाम ऐड पन्ना शुगर मेल्ट आए नल्ला कोड़ी केटो इनी पदिगमा एड़करवंगा और कप अलावक शुगर ऐड पन्निकला वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी वरा वरिक्यों नम्मा कोड़ी के वेकेनो वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी नम्मा कायल एड़त पात्तो ना और स्ट्रिंग माधरी वरो अंदा टाइम ला नम्मा मिक्स पन्नी चिरुद माव ऐड पन्निकला माव ऐड पन्नम बोदु फ्लेम वंदु लोल इरुकनो वन स्माव ऐड पनियाचना कई विडामा मिक्स पनीटे इरुंगा 20 to 30 सेकेंड्स नामा मिक्स पनीटे इरुकुं बोदे माव लाइटा थिक आगो अंदर टाइम ला रेंडे टेबलस्पून नेय ऐड पनीरला அந்த மாவுல நல்ல நெய் mix ஆனதும் திரும்பவும் 2 டேபிள்ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து mix பண்ணனும் மாவு திக்க ஆக ஆக 2 டேபிள்ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டே இருக்கணும் 2 டேபிள்ஸ்பூன் வெச்சு டோட்டலா 5 தடவை நான் நெய் சேர்த்திருக்கேன் और कप नेय एडुत्ततुल मुक्काल कप नेय दान आड पन्निरुक्केन रोम्ब नेय वेंडाना नम्म मुक्काल कप्ले स्टॉप पन्निक्कलाम लो फ्लेम ले वेच्चु दान मिक्स पन्निट्टे इरुक्केन திரும்பவும் நெய் சேர்த்துறலாம் மாவு நல்ல வேகலைனாலும் பச்சை வாசனை இருக்கும் அதனால சிம்பிளே வச்சு mix பண்ணி நல்ல வேக வச்சு எடுத்துறலாம் மாவு சேர்த்து mix பண்ண ஆரம்பிச்சு 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மாவு வந்து ஆல்மோஸ்ட் குக்க ஆயிடுச்சு கடைசியா 2 டேபிள்ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிரலாம்
இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து கடாயில் ஒட்டாமல் மிக்ஸ் ஆகும். இதுதான் அதோட கரெக்டான பக்குவம். இந்த ஸ்டேஜில் நெய் கிரீஸ் பண்ண பேனில் இந்த மைசூர் பாகு மாவை சேர்த்து செட் பண்ணிடலாம். இந்த பேனை லைட்டாக தட்டி லெவல் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து 20-25 நிமிஷம் நம்ம ஆற வச்சிடலாம். இப்போ 25 நிமிஷம் ஆயிருக்கு, இது கம்ப்ளீட்டாக நல்லா செட் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கு. இதோட பட்டர் பேப்பரை மெதுவாக நம்ம பீல் பண்ணி எடுத்துடலாம். நமக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்ல சாஃப்டான மைசூர் பாக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்வீட்டை எல்லாரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சஜஷன் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க.